हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवला से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी जो हमें काफ़ी बेनिफिशियल होती है। आंवला पाचक या आंवला मुखवास आप इसे कह सकते हैं। तो घर पर इसे कैसे बनाया जाता है और इसे एक बार बनाकर हम साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, तो देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है और इस रेसिपी को एक लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आंवला मुखवास है तैयार हो जाने के बाद में कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने इसे अभी अभी तैयार किया है इसलिए इसका जो कलर है लाइट है। जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा तो इसका कलर भी डार्क हो जाता है और इसे आप साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो इस आंवला पाचक या आंवला मुखवास को आप ज़रूर ट्राई करिए। आंवला पाचक यानी कि आंवला सुपारी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम आंवला लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इसमें यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, सादा नमक और कद्दूकस की हुई अदरक। इसे बनाना एकदम आसान है। तो एक मिक्सिंग बाउल में मैं जो कद्दूकस किया हुआ गूसबेरी यानी के आंवला है उसे निकाल लेती हूँ। और अब इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, काली मिर्च पाउडर आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तीखी होती है। एक से डेढ़ टीस्पून मैंने इसमें सादा नमक ऐड किया है, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, ये जो सभी मसाले हैं आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें ऐड करिए, काला नमक। और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाना है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छी तरह से मिला सकते हैं। आंवला पाचक के साथ साथ मैंने आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा और आंवला पापड़ की रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो लिंक पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए, अब हमने इसे एक थाली में फैला दिया है और दो दिन तक हम इसे अच्छे से सुखाएंगे। तो अब मैं इसे धूप में रख देती हूँ। तो देखिए, हमारा जो आंवला पाचक, आंवला सुपारी या फिर आंवला मुखवास है दो दिन तक धूप में सूखने के बाद इस तरह से तैयार हुआ है। और अब हम इसे एक कंटेनर में भरकर साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मुंह की दुर्गंधी, एसिडिटी या पेट दर्द के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो अब हम इसे स्टोर करके रख देते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और शेयर करिए।